वेलकम टू आवर चैनल। आज है 20 अगस्त 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस, जितने भी करंट अफेयर्स 20 अगस्त 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है? लीप, ऑप्शन फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट के मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल के मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 की शीर्षक प्रायोजन अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ड्रीम इलेवन, वीवो, अन अकेडमी, बायजू। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, ड्रीम इलेवन के द्वारा। ड्रीम इलेवन के फाउंडर कौन है? खोजकर्ता हर्ष जैन और ववीत सेठ। कौन है? हर्ष जैन और ववीत सेठ। ड्रीम इलेवन के मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। वीवो के सीईओ कौन है? सैन वी। वीवो के सीईओ है और वीवो के मुख्यालय कहां है? डेंग्वेन चाइना में। अन एकेडमी के सीईओ कौन है? गौरव मुंजल। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने पढ़ाई तुहर पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस सरकार ने? ऑप्शन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से है? इंद्रावती नेशनल पार्क। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदर राजन। तेलंगाना राज्य कब स्थापित किए गए? तो 2 जून 2014 में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने बीएसएफ के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आलोक वर्मा, सुमंत गोयल, रंजीत गोयल, राकेश अस्थाना। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन रूस, जापान, चीन, ब्राजील। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। रूस के कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। चीन के कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। BRICS ब्रिक्स की मुख्यालय कहां है? शंघाई चाइना में। ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य के धार्मिक शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई है? ऑप्शन 50%, 100%, 80%, 65%। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100%। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दो भारतीय क्रिकेटरों ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं, तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, MS धोनी और सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रोजगार पैदा किया गरीब रोजगार कल्याण योजना के तहत कितने राज्यों में, मतलब भारतीय रेलवे ने रोजगार कितने राज्यों में रोजगार पैदा किया गरीब रोजगार कल्याण योजना के तहत? ऑप्शन 10, 5, 6, 4। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है? वीके यादव, विनोद कुमार यादव। और भारतीय रेलवे कब स्थापित किए गए? 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन 10, 5, 3, 4। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नाम से जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के लिए पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन अमित शाह, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा ये हमारे कौन से मंत्री हैं? तो आदिवासियों मामलों के मंत्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, आदिवासी मामलों के मंत्री। और अमित शाह ये हमारे हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। स्मृति ईरानी ये हमारे हैं कपड़ा उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर। और पीयूष गोयल ये हमारे हैं रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चंडीगढ़ के एलजी कौन है? वीपी सिंह बदनोरे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अरविंद केजरीवाल, यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? सुल्तान नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दिन का प्रश्न, पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण कौन देगा? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, सिंजो अबे, स्कॉट मॉरिसन। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 20 अगस्त 2020 में से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट सॉरी दोस्तों, अगर आपको पहले तो सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा
यह जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।